अपना रही है और दोहरी नीति अपना करके जो कृत्य केंद्र की सरकार ने डीडीए ने मिलकर के अतिक्रमण के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तथ्यों को छुपा करके किया है, ठीक वही काम केजरीवाल सरकार हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर के तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके बाबा साहब की प्राचीन प्रतिमा और वहां पर तो साथियों आप देख रहे हैं आंदोलन शांतिपूर्ण सम्यक बहुजन के नाम से सम्यक बहुजन न्यूज चैनल के जो संस्थापक हैं, सीईओ हैं और जो हमारे भाई हैं सुनील मेघवाल आज इस आंदोलन में आए हैं। सुनील क्या लगता है, आप लगातार बहुजन पत्रकारिता पर ध्यान दे रहे हैं, बहुजन सम्मेलन में जा रहे हैं, तो इस आंदोलन को आप किस नज़र में देखते हैं? इस आंदोलन को मैं एक नज़र से देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है अभी ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। 96 जो लोग गिरफ्तार करे हैं अभी सरकार ने उनको छोड़ने का काम करना चाहिए। यहाँ जब मैं देख रहा था तो उनके परिवार की कुछ महिलाएं आई हुई थी, माँ आई हुई थी, बहनें आई हुई थी या उनके रिश्तेदार आए हुए थे, उनके चेहरे पर निराशा भी थी और एक जोश था कि संत रविदास के लिए उनके बच्चों ने आज जेल में बंद हैं उनको छुड़ाने का काम है। पर यहाँ पुलिस प्रशासन ने यहीं तक का एक दायरा इनको सीमित कर दिया है, बाहर आगे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ करना था पार्लियामेंट जाने के लिए। और फिर यहाँ से बात चल रही थी सर मनोज जी के यहाँ से गुरुघर जाएंगे, पर यहाँ गुरुघर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि पुलिस यहाँ पर है और संत जितने भी यहाँ पर हैं संतों ने कहा है कि ये संवैधानिक मार्च होगा। तो संवैधानिक मार्च का मतलब है कि हम लोग संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले और यहीं इसी दायरे में रह के सरकार को अवगत कराएंगे कि हमारे जो 96 जो बच्चे हैं उनको छोड़ा जाए और ये जो मंदिर तोड़ने का जो इन्होंने जो काम किया ये बहुत गलत काम है। अब मंदिर तो उनके लिए मंदिर हो गया और हमारे लिए तो फिर हमारे लिए कोई मंदिर नहीं हुआ। पर यहाँ जो बांटी जा रही है, जातिवाद को जो जेर बोला जा रहा है, जैसे स्मृति ईरानी ने भी कहा था कि दलित और हिंदू जो कश्मीर में कहा था, तो इससे एक साफ दर्शाता है कि भाई इस देश के अंदर ये जातिवाद का जो घोल ये सरकार ही घोल रही है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। और हमें साथियों आप सुन रहे थे सुनील मेघवाल के विचार, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुनील बताएं अपने चैनल के बारे में। मेरा चैनल है सम्यक बहुजन न्यूज़ चैनल और मनोज अंतानी भाई का आशीर्वाद रहता है या कहें कि प्यार रहता है और मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं सम्यक बहुजन न्यूज़ के साथ में और लोगों को मैं कुछ ऐसी खबरें देता हूं जो डिफरेंट होती है ताकि आप तक को भी मिल सके। मनोज भाई भी बताते रहते हैं और सीखते रहते हैं और अभी हमें समाज को एक मजबूती के साथ में दिल्ली के अंदर पूरे भारत के अंदर मीडिया का जो काम है हमारा वो हम कर रहे हैं, जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं मात्र। हाँ मतलब ये है कि पूरा जो कमी है जो स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती वो हम अपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे का इंटरव्यू राहुल नागपाल जी भीम सेनी हैं और भीम आर्मी के प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश में। सर एक बात बताइए, जो आज ये धरना प्रदर्शन इधर हो रहा है तुगलका बाग जाने की जो बात हो रही है और यहीं पुलिस ने रोक दिया, क्या क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, पुलिस तो शुरू से रोकती रही है, पुलिस ने पहली बार तो रोका नहीं है। पुलिस का काम ही दलित मूवमेंट को कुचलना है, दलित आंदोलन को रोकना है, तो पुलिस तो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। अब ये हमारे नेताओं को, हमारे जो बड़े नेता छोटे नेता हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि कुछ नया क्या हम लोग सोसाइटी को आंदोलन को दें, आंदोलन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। जिस दिन ये घोषणा हुई थी कि हम लोग 21 तारीख को जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से फिर हम तुगलकाबाद के लिए कूच करेंगे, मैंने उसी दिन ये कहा था कई टीवी चैनल्स पर, पत्रकार पर, स्ट्रीम मीडिया पर कि ये ऐसा ना हो। पुलिस पहले से सतर्क है, पहले कहते ना कि देसी भाषा में कि दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक के पीता है, तो पुलिस को ये मालूम है कि ये लोग पहले वहाँ पर जा करके इस तरीके से जो एक तरीके से वहाँ पर इन्होंने तोड़, पुलिस के अनुसार, हम तो इस बात को नहीं कह रहे कि इन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ की है, तो पुलिस आपको क्यों जाने देगी। हमारी जो लड़ाई है कहीं ना कहीं मैं पहले भी कह चुका हूँ अभी भी कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई वहाँ जा करके पूजा पाठ करने की नहीं है। और पुलिस को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जब पुलिस ने वहाँ मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ने के बाद में वहाँ कुछ छोड़ा नहीं और नीचे बिल्कुल रोड बना दिया, तो ये लोग अगर वहाँ चले भी जाएंगे तो कोई रोड को तो उखाड़ नहीं लाएंगे,
तो पुलिस को इनको इन लोगों को वहाँ जाने देना चाहिए और वहाँ पर ये लोग बैठ करके अगर ध्यान साधना पूजा करना चाहते तो ये अधिकार तो है। पहले भी 10 तारीख को ये लोग जो संत समाज है पूजा पाठ कर चुका है और अभी भी कुछ लोग वहाँ जाकर के पूजा पाठ करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ अंकल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा नाम कुंदनलाल और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी अपने नेताओं से और जो बड़ी हस्ती है ये कहना चाहता हूँ, अरे कम से कम ये हमारे हाथ में ये देख लो सर, कोई हथियार नहीं है, हथियार है कोई है हमारे हाथ में, और दिल्ली पुलिस के हाथ में देखो क्या क्या डंडे ले रखे हैं, हर तरह से हमारे लोगों को दबाना चाहते हैं ये लोग। मेरा ये देखिए सर, देखिए हथियार की बात कर रहे हैं तो ये तो दिल्ली पुलिस के अपने अंगरक्षक हैं, दिल्ली पुलिस का ये जो काम है वो उन्होंने करना ही है, पर हमारे पास में सिर्फ ये है कि पंपलेट्स हैं, बैनर हैं, उसके माध्यम से हम ये कुछ कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। हम भी यही कहना चाहते हैं, यहाँ कोई लड़ाई का वातावरण नहीं बनाना चाहते और ना कभी पहले इस बारे में बनाया है, सिर्फ हमारे को क्या चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुंदनलाल है, कुंदनलाल। हाँ तो हम यही चाहते हैं भाई बच्चों को छोड़ा जाए, मंदिर वहाँ बनवा दिया जाए, जैसा कि थोड़ा ऐसे थोड़ा नहीं किया था उनको। अच्छा चलिए, मेरे साथ में एक और भाई साहब हैं जुड़ना चाह रहे हैं, कौम के शेर, ये ये आज आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, यही बोलेंगे भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो ये जो है प्रदर्शन, जो प्रदर्शन है, देखो ये संत महापुरुष कहते हैं भी हिंदुस्तान संत महापुरुषों का देश है, जहाँ पर जितने भी संत महापुरुष आए हैं, जिस भी युग में आए, सभी संत महापुरुषों ने सभी को यही संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया है कि मानवता इस संसार के अंदर होना चाहिए, जहाँ भाईचारा होगा जिस देश में वहाँ शांति होगी, जहाँ शांति होगी वहाँ भाईचारा होगा, हमें भाईचारा बढ़ा के रखना है। हमारे तो यही सभी से प्रार्थना है, जितने भी ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी जी, यही प्रार्थना है कि आप अच्छा शिव महाराज जी का गुणगान करते हैं, भक्ति में आप इतना रखते हैं तो सर, सभी सर, नमस्कार जाटव साहब, समता हुआ टीवी से, मैं सुनील मेघवाल जी, आज का जो ये धरना है प्रदर्शन है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रदर्शन बहुत अच्छा आ रहा और ये एक इस तरह का था कि 21 तारीख को हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था अगस्त में जी। और एक तरह से एक परंपरा को हमने निभाया है और हम लोग कामयाब हुए हैं, और इसी तरह के 10 अगस्त को भी एक जिस तरह से हमारा मंदिर को तोड़ा गया था तो 10 सितंबर को भी एक प्रोग्राम किया गया था, तो अब ये निश्चय है कि 10 प्रत्येक महीने की 10 तारीख को और 21 तारीख को प्रोग्राम होते रहेंगे, लेकिन लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, ये मात्र 2 दिन के प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है, तो हमें संवाद भी स्थापित करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को भी हमको झकझोरना है कि वो भी पूरी कोशिश करे। केजरीवाल जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आगे की प्रक्रिया बहुत कठिन है तो हमको इंतजार करना पड़ेगा इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी अधूरी बात रह गई थी सर की, सर नमस्कार, आज के प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, आगे किस तरीके की तैयारी है उसके बारे में बताएं जरा लोगों को। देखिए ऐसा है, जितने प्रदर्शन हो रहे हैं सारे पीसफुल है, आगे ही पीसफुल ही होंगे, हमारी लड़ाई झगड़े की नहीं है, हम पीसफुली चल रहे हैं, पीसफुली चलेंगे हम शांति, क्योंकि हम सतगुरु रविदास महाराज के पुजारी हैं और उनके शिक्षा पे हम चल रहे हैं, इसको हम इसी तरह लड़ेंगे, आगे भी इसी तरह लड़ेंगे। सर जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भक्ति में विश्वास करते हैं, नाम जप तप में विश्वास करते हैं, तो गुरु रविदास जी महाराज जितने भी संत महापुरुष हैं, संत महापुरुषों को यही कहना है भी समाज को अगर आगे देश को चलाना है, भाईचारे को संदेश रखना है, मेरी यही प्रार्थना है कि देश को शांति बनाए रखना, यही संत महापुरुषों का देश है। बोलिए सोने रुपए श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। यहाँ क्या करता है पहले एक मिनट, कल्लू है जो कि 5 साल से यहाँ जंतर मंतर पर ही काम कर रहे हैं, कुछ सामान बेचने का काम है, इनसे पूछेंगे कि आज का प्रदर्शन और बाकी प्रदर्शन के बारे में। देखिए राम मंदिर का ये कर रहे थे और हमारा इनका ये मंदिर का है चमचंगी मंदिर, उसकी हमको चाहिए मंदिर बनाना, मंदिर को ये अखिलेश ने बोले थे और अखिलेश ने मोती ने बहुत अच्छे देख देख के गरीबों को लिए पेट मार रहे हैं, और उसके मंदिर के लिए लालू आए अखिलेश आए कुल लूट के बैठ गए, देत को लिए बर्बाद कर दिया है, देत को मोती भी बर्बाद कर रहे हैं, मोती जी ऐसा करिए
हम लोग को तब कुछ चलना चाहिए, मंदिर बनाने जरूरी है। मंदिर नहीं बनेगी तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपने के लिए पाची लगाना पड़े, मंदिर बनना पड़ेगा। पाँच साल रह गए हो ना, अब नहीं रह पाएंगे। रहने के मंदिर नहीं बनेगी तो नहीं रह पाएंगे। मंदिर जरूरी है, राम मंदिर और जायदाद मंदिर दोनों बनाना पड़ेगा। नहीं तो एक बार और हैं पूरे लगते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं तो उनका होती है 5,000-10,000 रुपये ले रहे हैं। और टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बैल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।